पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन कहा जाता है 1560 ईस्वी से लेके 1562 ईस्वी तक का जो समय था, जो अकबर का शासन काल था, जब अकबर पूरी तरह से प्रौढ़ शासक नहीं बना था, उस समय का जो शासन काल है पेटीकोट शासन काल कहलाता है। और इसका कारण ये था कि अकबर के जितने भी निर्णय थे प्रशासन संबंधी, वो सभी के सभी निर्णय दहाई माँ जो थी उसकी महम अनगा उससे प्रभावित होते थे। और इसीलिए इस समय को, इस शासन काल को, इस मुगल शासन काल के समय को पेटीकोट शासन कहा जाता है। तो ये दो मुख्य बिंदु लिख सकते हैं कि 1560 से 1562 तक का मुगल शासन काल, जिसमें अकबर के सभी निर्णयों को प्रभावित करने का कार्य किया महम अनगा ने, जो कि उसकी धाय माँ थी।